नमस्कार फ्रेंड्स, पीसफुल होम एंड एनवायरनमेंट चैनल में आप सबकी स्वागत है और मैं मिसेस थारा। फ्रेंड्स, टमाटर के भाव अभी इतना ज़्यादा हो गया है कि उसको छूना मुश्किल हो रही है और इधर चल रही है सावन महीने की सोमवार। इसलिए मैंने सोचा कि बिना टमाटर प्याज लहसुन की पनीर की ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। छोटी सी एक ट्रिक फॉलो करके हम लोग ये रेसिपी बनाएंगे, इसलिए ये रेसिपी देखने में जितनी सुंदर होगी खाने में भी होगी उतना ही लाजवाब। तो कैसे हम लोग बनाएंगे इस रेसिपी को, चलिए देख लेते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पर 300 ग्राम पनीर लिए हैं। पनीर को हम लोग थोड़ा सा चौकर चौकर और थोड़ा सा बड़े साइज के टुकड़े में काट लेंगे। पनीर आप अगर जिस दिन बनाएंगे उसी दिन अगर ला रहे हैं तो आप फ्रिज के सेल्फ में रख सकते हैं, लेकिन अगर आप दो दिन पहले पनीर ला के रख रहे हैं तो उसको फ्रीजर में रखिएगा। और इस रेसिपी को बनाएंगे तो उसके कम से कम एक घंटा पहले पनीर को फ्रीजर से निकाल के जरूर रखिएगा। अभी मैं गैस में कढ़ाई चढ़ा के उसमें डाल रही हूँ सरसों की तेल। इस तेल की जगह पर, सरसों की तेल की जगह पर आप अपने पसंद की रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं, नहीं तो घी भी डाल सकते हैं। तो तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे, उसके बाद पनीर के सारे टुकड़े एक एक करके ऐसे डालेंगे। तेल अगर अच्छी तरह से गर्म नहीं होगी और पनीर अगर डाल देंगे तो पनीर के नीचे की तरफ चिपक सकता है कढ़ाई में, इसलिए जब पनीर आप बना रहे हैं तो हमेशा अच्छी तरह से तेल को गर्म करने के बाद ही पनीर को डालिएगा। तो जो भी है सारे पनीर के टुकड़ों को तेल में डालेंगे और हम लोग पनीर के टुकड़ों को हल्की सी ब्राउन कलर कर लेंगे। बहुत ज़्यादा कलर की ज़रूरत नहीं है, आप एक तरफ को थोड़ा सा कलर कीजिएगा और दूसरे तरफ को थोड़ा सा तेल में रखने के बाद ही आप टुकड़ों को किसी बर्तन में निकाल लीजिएगा। किसी बर्तन में निकलने के बाद पानी में हम लोग इस तरह से पनीर के टुकड़ों को भिगो के रखेंगे। ऐसा करने से पनीर के टुकड़े बहुत ही स्पॉन्जी होगी, बहुत ही नरम रहेगी। अभी यहाँ पर हम लोग बनाएंगे एक मसाला। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच अदरक की पेस्ट ली हूँ, 1 चम्मच जीरा की पाउडर और 1 चम्मच यहाँ कश्मीरी मिर्च। ये मिर्च सिर्फ कलर देंगे, तीखी नहीं होगी। और तीखा करने के लिए थोड़ा सा मिर्च पाउडर लिया, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाला और 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर। तो ये सभी को पानी डाल के अच्छी तरह से एक पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, जितना ज़रूरत है उतना पानी डालेंगे, क्योंकि कढ़ाई में जब हम लोग इस मसाला को डालेंगे तो कटोरी में जो मसाला लगा रहेगा उसको भी धो के डालना है, तब थोड़ा सा पानी और जाएगा। तभी आप देख रहे हैं कि तेल मैंने थोड़ा सा कम कर लिया है, 4 टीस्पून तेल मैं रखी हूँ और अभी खड़ा मसाला हम डाल रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर तेज पत्ता डाले हैं, लौंग 4 लौंग डाले हैं, 2-3 दालचीनी के टुकड़े डाले हैं और 1 छोटी इलायची डाले हैं। तो ये सब जब थोड़ा चटकने लगे तो कटोरी में जो मसाला बना के रखे थे उस मसाला को यहाँ पर डाल देंगे। मसाला को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, इसलिए कटोरी में जो भी लगे हुए हैं मसाले उसको पानी से अच्छी तरह से धो के कढ़ाई में ले लेंगे। यहाँ पर जो रेड मिर्च हमने यूज़ किया है 1 चम्मच, वो कश्मीरी मिर्च जो है वो बिल्कुल वो कलर करने के लिए है, कलर अच्छा आना है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर टमाटर यूज़ नहीं कर रहे हैं, प्याज लहसुन भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसलिए कश्मीरी मिर्च थोड़ा सा ज़्यादा लिए हैं। कश्मीरी मिर्च अगर थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करेंगे तो कोई नुकसान नहीं है, वो सिर्फ कलर देंगे। अभी जो ट्रिक हम लोग यहाँ पर फॉलो करेंगे वो देख लीजिए। 4 पनीर का टुकड़ा मैं रखी थी साइड में और ली हूँ 1 मीडियम साइज की बॉयल आलू। अभी पनीर और आलू ये दोनों को ही बहुत अच्छी तरह से हम लोग ऐसे पीस लेंगे, ऐसे स्मैश कर लेंगे, दोनों को अच्छी तरह से मिला के एकदम
पेस्ट जैसे बना लेंगे। गुठली बिल्कुल भी रखना है। एक्चुअली क्या है, हम लोग प्याज लहसुन टमाटर कुछ भी नहीं यूज कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को सब्जी ऐसे बनाना है कि देख के खाने की मन हो। तो ग्रेवी अगर सब्जी में अच्छी नहीं होती है तो देखने में भी सब्जी अच्छा नहीं होता है, इसलिए ग्रेवी बनाने के लिए ये बॉयल आलू और थोड़ी सी पनीर जो मैं रखी थी उसको इस तरह से डालेंगे। इससे क्या होगा, इस रेसिपी की टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा और ये रेसिपी देखने में भी, ये डिश देखने में भी बहुत सुंदर होगी। तो सभी को अच्छी तरह से ऐसे मिलाते हुए और स्वाद अनुसार नमक भी मैंने यहाँ पर डाल दिया है और लास्ट में थोड़ा सा हरा धनिया। हरा धनिया डालने से थोड़ा सा टेस्ट बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग प्याज लहसुन टमाटर कुछ भी नहीं डाल रहे हैं। तो जब हम लोग इस तरह से मसाला को भूनेंगे तो थोड़ा सा धनिया हम लोग, हरा धनिया हम लोग यहाँ पर डाल सकते हैं। तो मसाला को बहुत अच्छी तरह से भून लेना है। जब बिल्कुल तेल निकलने लगेंगे मसाला से, तब हम लोग क्या करेंगे, कटोरी में जो पनीर रखे हैं पूरा पनीर हम लोग यहाँ पर डाल देंगे और अच्छी तरह से मसाले के साथ मिलाएंगे और उसके बाद जरूरत के हिसाब से हम लोग पानी डालेंगे। और क्योंकि पनीर में नमक नहीं है और पनीर में जो पानी डाल के रखे थे उस पानी में भी नमक मैं नहीं मिलाई थी, इसलिए हम लोग इस तरह से पनीर को अच्छी तरह से मसाला में मिलाने के बाद थोड़ा सा पानी डालने के बाद ऐसे ढक के कुछ देर हम लोग बॉयल होने देंगे। 7-8 मिनट ऐसे आपको बॉयल करना है ढक के। 7-8 मिनट बाद जब आप बॉयल ढक्कन खोलेंगे तो आप देखेंगे पानी थोड़ा सा कम हो गया है और हमारा जो रेसिपी है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। तो लास्ट में क्या करना है, इसमें एक से डेढ़ चुटकी गरम मसाला देना है और मिलाएंगे थोड़ा सा 1 चम्मच घी। घी या बटर ये आपके चॉइस के हिसाब से है, आपको जो अच्छा लगेगा आप वहाँ यहाँ पर वो चीज़ मिला सकते हैं। तो हमारा रेसिपी बिल्कुल रेडी है, पनीर की सब्जी। अभी क्या किया मैंने, इसको कढ़ाई से मैंने एक प्लेट में ले लिया है और अभी इसके ऊपर थोड़ा सा आप हरी धनिया स्प्रेड करके आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप भी इस तरह से ट्राई करके देखिए, ये रेसिपी बहुत टेस्टी होगी। तो आज इतना ही, नमस्कार।